इची डैडी क्या कर ले? इची मस्ती कर ले डैडी के साथ। ये है इशू की दिलकारिया। इशू क्या कर ले? Hi guys, good morning, हरिओम, awesome अग्निहोत्री के एक और amazing vlog में आप सबका स्वागत है. मैं वापस आ गई हूँ अपनी रन से और ये हमारी इशू इधर देखो इशू का दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने भाई में है. Hi Iju, good morning. इची गुड मॉर्निंग. हेलो, वो रहे हॉलीवुड अग्निहोत्री जी अपनी वॉक पे जाने के लिए एकदम तत्पर. सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपन. जब हम सोते हैं रात में वी स्टार्ट ऑल द लाइट्स ऑफ द हाउस ऑब्वियसली, बट जब मैं आज सुबह उठी देयर वाज वन लाइट दैट वाज ऑन और मैं सुबह कम से कम 10 मिनट आई वाज ट्राइंग टू स्विच दैट लाइट ऑफ बट वो ऑफ ही नहीं हो गई. देखिए मैंने सारी लाइट बंद कर ली. ये वाली जो है ये हमारे डाइनिंग रूम की लाइट है. सो आई केप वंडरिंग कि ये क्यों, वाई इज़ इट ऑन. पहले आई थॉट दैट मे बी फॉर वट एवर रीज़न यू गेट अ लिटिल वरिड कि इज मम अवेक, इज प्लिस्तू अवेक, बट आई रियलाइज सब सो रहे थे लेकिन वो लाइट जली हुई थी. तो उस लाइट का स्विच जो है वो ये है. ये हमारा मेन स्विच बोर्ड है और यहाँ सब कुछ बंद है एक्सेप्ट फॉर ये वाली ट्यूब जो इस वक्त जली हुई है. एवरी बटन इज शट. फिर मैंने जाके ये वाला स्विच बोर्ड चेक किया, यहाँ पे भी सब बंद है. फिर मैंने किचन में आके किचन का पूरा स्विच बोर्ड चेक किया. सो बेसिकली वियर्ड स्ट्रेंज, ये लाइट ऑन है, ये बंद ही नहीं होके दे रही है. इसका स्विच वहाँ है, इट्स ऑलवेज बीन देयर, बट ये लाइट अपने आप ऑन हो गई है और ऑफ ही नहीं हो रही है. सो तो अब फाइनली इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है सुबह सुबह मैसेज करके. वो आएगा और इन मैडम का निवारण करेगा. तो जब वो आएगा तो मैं आपको शूट करके बताऊंगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी. तो ये आया है हमारी, वो लाइट फाइनली बंद हुई और यहाँ पे जो मेन पॉइंट था वो खराब था. क्या प्रॉब्लम थी बच्चे? ये बटन खराब हो गया. बटन खराब हो गया था उसकी वजह से लाइट जल रही थी कंटिन्यूसली. फाइनली मैडम बंद हुई है दो दिन के बाद और इन मैडम को जरा देखिए. हेलो इजू, हाय. तो प्लग पॉइंट का सिलसिला यहीं खत्म हुआ. अब ये ठीक करेगा एंड फाइनली लाइट जो है बंद हुई. इशू जो है इस वक्त खोलने की कोशिश कर रही है लेकिन इशू से खोल नहीं रहा है. और शिल्पा जो इस वक्त तैयारी कर रही है, ठीक ठाक कर रही है सारी चीज़ें. हॉलीवुड जी मेरे बगल में बैठे हुए और इशू दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है. हमारी छोटी सी अनिता ये देखिए, बड़ी देर से कोशिश जारी है कि भैया ये खुल जाए. इशू जो है ये कोशिश कर रही है इस कुंडी को खोलने की. इशू खजाने की कुंडी खुली कि नहीं खुली? पीछे हाँ बढ़िया. तो आज का क्या अपना एजेंडा, क्या आपने वो करा? अभी तो कुछ नहीं भैया, अभी मुझे बड़े काम है पहले. थोड़ा पीछे इशू, थोड़ा पीछे. अभी देखेंगे, अभी सोचेंगे. अभी पहले हमें अपनी मेरी एक पीपीटी है, मुझे वो खत्म करनी है. okay. उसके बाद करेंगे जो करेंगे. तो आजकल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट हो गई है और वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है यू नो चीज़ करो. भी अभी तो क्रॉल करना स्टार्ट किया उसने, अब थोड़े दिन में वो घुटनों पे चलने लगेगी और उसके बाद वो अपनी दौड़ लगाना स्टार्ट करेगी. अब उसमें ऑब्वियसली होने वाला है कि हर चीज़ मुंह में जाती है, आप जितना मॉनिटर कर ले बट थिंग्स गो इन देम आउट. सो इवन नाउ शी इज़ मेरा ये मेरी पर्सनल वो है कि जितना दिस इज़ मी. हाँ, कम्प्लीटली मी, क्योंकि मैं ऑल माई लाइफ आई हैव बीन अ टॉम बॉय अंटिल आई गॉट मैरिड. तो मुझे लगता है कि जितना आप बच्चे को
नॉट सेइंग गिरने देंगे, लेकिन जितना बच्चे को स्ट्रांग बनाएंगे उतना ही बच्चा इमोशनली मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होता है। और आप जितना करते रहेंगे ना कि अरे ओ आई एम टू मेंटली प्रिपेयर्ड है ना, और आप बिलीव नहीं करेंगे ओनली इस थिंकिंग की वजह से, अगर इशू 15-20 मिनट्स नीचे रहती है, कितनी बार ऐसा होता है कि इसकी मुंडी लगती है लेकिन वो रिएक्ट तक नहीं करती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल है वो, हमने उस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मलाइज किया हुआ है। और ये देखो देख लू ये, हाय हेलो। तो मेरे लिए मेरी अपब्रिंगिंग में रॉन्ग अपब्रिंगिंग, आई विल बी अ बैड मदर, अपूर विल बी अ बैड फादर, अगर ये बेड से गिरी है ना इचू, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर ऐसा कभी हुआ तो वो हम बैड पेरेंट्स हैं, हम अटेंटिव पेरेंट्स नहीं है। यस 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 होलू, यू आर अमेजिंग, यू आर इनक्रेडिबल। लेकिन नॉर्मल उसमें, जैसे कल मैं अपनी फ्रेंड के घर पे गई थी तो मैंने इसे ज़मीन पे छोड़ा वहाँ, बिकॉज सब देखना चाहते हैं ईशू को क्रॉल करते हुए, ईशू को ज़मीन पे रेंगते हुए, सब इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ईशू से कि सब देखना चाहते हैं कि कैसे। तो इनिशियली सब डर जाते हैं, बट हेलो बट इट्स सो मच फन टू सी हर जब वो सर करके जाती है। तो बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। सो माफ कीजिएगा, वो पहले वाला पार्ट बीच में कट गया। इशू हाय, ये फेवरेट है इशू का, इस कुर्सी पे आके लटकना। सो यू नो जस्ट एज अ कैंडिड डिस्कशन, मैं और अपूर्व तो इसी चीज में बिलीव करते हैं, पेरेंटिंग वही सही है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चूज करते हैं। हम तो स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं कि हम लोगों को एडवाइस तक देना इट्स नॉट आवर प्लेस। अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए कुछ डिसाइड किया है तो वो लिटरली अव्वल चीज ही होगी, अनलेस इट्स लाइक कम्प्लीटली ऑफ द मार्क। बट दिस इज माई वन स्मॉल टू बिट ऑन हाउ आई विश टू ब्रिंग अप माई इशू, क्योंकि मैं जेन्यूनली चाहती हूँ कि इशू बहुत स्ट्रांग है, मेंटली फिजिकली ऑल राउंड हो, मतलब और आप वो वैसे तभी होता है बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल यू नो दे लेफ्ट मी विद माई ब्रदर, और मेरे भाई ने मुझे बिल्कुल ऐसी चट्टान लड़की बनाया था, मैं रोती बोती नहीं थी, मैं पूरे टाइम खेलती रहती थी फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल डैडा डूडू, एंड दैट्स प्लेड अ लार्ज पार्ट इन बींग अ स्ट्रांग गर्ल। तो मैं जेन्यूनली चाहती हूँ, अपूर्व इज कम्प्लीटली विथ मी ऑन दैट, एंड समहाउ हमें डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही इशू को हमने जमीन पे छोड़ा, हम दोनों का इंस्टिंक्ट वो था कि नहीं नहीं रहने दो, इट्स ओके, इशू चीखेगी है ना, इशू चीखेगी गलत और क्या है, थोड़ा सा दुम दुम हो जाएगा लेकिन अल्टीमेटली तो बच्चे सीखते ही हैं, गलत इशू बू। सो यस, इशू के बड़े होते होते अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, कई लोगों को सही लगेंगी, कई लोगों को गलत लगेंगी, बट जिन लोगों को सही ना लगे पहले से हमारी तरफ से सॉरी, लेकिन दैट्स हाउ इट्स गोना बी, बिकॉज नॉट टू हर्ट एनीबडी, बट हम ऐसे बड़े हुए हैं तो वी विश टू ब्रिंग इशू अप लाइक दैट। एंड अब मेरी लेंगी हुई इशू पिछलू मेरे पास आ चुकी है पूरी तरीके से, बीच में खूब सारे स्टॉप्स कर कर आके, और अब ये मेरे ऊपर कम्प्लीटली चढ़ने वाली है, ये आप देख रहे हैं, अभी ऐसे करके पूरी मेरे ऊपर चढ़ के मेरे ऊपर लटक जाती है, है? मेरे कंधे पे लटक जाती है, मतलब पूरी आकर इशूज ऑन माई कंधा। सो आज का हम यही खत्म करते हैं, ईशू और होली की मस्ती हम आपको दिखाना चाहते थे, भाई बहन का बॉन्ड साथ में, तो जस्ट म्यूजिक उसमें आई थिंक यू विल गेट टू सी बोथ ऑफ देम चिलिंग विद ईच अदर। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और हम आपसे फिर मिलेंगे इन प्यारे प्यारे मोमेंट्स के साथ। हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहिए, हमें प्यार देते रहिए, हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। We love you so much. Om Namah Shivaya. Bye.